विधायक रफीक खान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंजीकृत लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी की। जॉब कार्ड के माध्यम से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित भी किया, जहां पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बचपन से ही कच्ची बस्तियों का ध्यान रखा। कच्ची बस्तियों को बसाने का, उनको नियमित करने का, ये तमाम काम कांग्रेस शासन में हुए। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो गरीब को बसाने में ही दिखती है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि नगर निगम परिषद, नगर पालिका, पार्षद, जनप्रतिनिधि सभी का विकास हो। गहलोत ने कहा कि जो कच्ची बस्तियां हैं, बस मैं उनके विकास की बात करता हूं। फैसले किए हैं उस पर अहम फैसला है, कच्ची बस्ती जो बढ़ गई है उसको हम नियमन करेंगे। उनके पार्षदगण चुने हुए लोग होते हैं, मेयर चुने हुए होते हैं, डिप्टी मेयर चुने हुए होते हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी बेईमानी कर रहा है, पट्टे नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, उसका नीच स्वार्थ है, ऐसे लोगों की सूची बनाए पार्षद, मेयर, एमएलए मिलकर के, ऐसे लोगों की अलग सूची हमारे पास आएगी, हम चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इतना बड़ा काम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इतना ही काम शुरू हुआ है। अब आप ये योजना लागू हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय निकाय के वो संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेह को आत्मसात करते हुए इस स्कीम को लागू करवाएंगे। जानकारी हर व्यक्ति को हो और परिवार को हो, उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे, पैम्पलेट छपवाएंगे। ये ऐसे ऐसे परिवार मुझे मिले आज जो पहली बार घर के बाहर निकलेंगे मजदूरी करने के लिए।